IELTS के राइटिंग मॉड्यूल में सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे इम्प्रूव करें? अरे ग्रामर डाल दी, वोकैबुलरी डाल दी, कनेक्टर्स भी डाल दिए, अभी भी स्कोर 5.5 है। क्या करें 6 बैंड से 7 बैंड का लेवल लाने के लिए? अगर ये सारे क्वेश्चंस आप भी अपनी टीचर से पूछते हैं तो ये वीडियो है आपके लिए, जिसमें ये गारंटी है कि आप अपना राइटिंग का लेवल 6 से 7 तक बहुत आसानी से लेके जा पाएंगे। तो मैं रिया खन्ना चैनल इंग्लिश वर्ल्ड पे आपके लिए लाई हूँ ये मजेदार वीडियो IELTS के राइटिंग स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए, खास करके 6 बैंड से 7 बैंड तक लेके जाने के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक मेरी सारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी जब कॉपीज देखते हैं और वो देखते हैं कि मेरी ग्रामर तो सारी ठीक है, वो टीचर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैम ग्रामर की तो कोई मिस्टेक नहीं निकाली आपने, अगर ग्रामर ठीक है तो फिर मेरी राइटिंग में 5.5 स्कोर क्यों है? और टीचर्स उनको कहते हैं कि बेटा और इम्प्रूव करो, राइटिंग में भी कमी है। और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रामर में मिस्टेक भी नहीं है तो ग्रामर मेरा जो है वो ठीक है, तो फिर स्कोर मेरे कम क्यों आ रहे हैं, क्यों 5.5 तक रुके हुए हैं? तो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ उन सबको जिनको ये लगता है कि अगर ग्रामर सारी करेक्ट होने से मेरी स्कोर 5.5 से ऊपर आ सकती है तो आप यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है आपकी, गलत फहमी है आपकी। अगर आपके पूरे ऐसे में कोई भी ग्रामर मिस्टेक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लेवल 5.5 से ऊपर जा सकता है। पॉसिबल है कि आपकी राइटिंग में 5.5 ही रहे और ये भी पॉसिबल है कि स्कोर्स बढ़ जाए। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि ग्रामर से आप समझते क्या है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ राइटिंग के IELTS में 4 पैरामीटर्स क्या होते हैं जिनके बेसिस पर आपकी राइटिंग्स की होती है इवैल्यूएशन। तो ये रहे 4 पैरामीटर्स, लेक्सिकल जिसे कहते हैं वोकैबुलरी, गुड रेंज ऑफ वोकैबुलरी, कोहरेंस जिसे कहते हैं सीक्वेंस, ऑर्गेनाइज्ड एसे विद सम कनेक्टर्स, थर्ड टास्क रिस्पॉन्स जिसका मतलब ये है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है आपने उसका रेलिवेंसी से आंसर दिया है, और हमारा एक पैरामीटर है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। अब आप इस पैरामीटर को गौर से देखिए, जूम करके देखिए, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, इसका मतलब सिर्फ ग्रामर ये नहीं लिखा हुआ है कि इसका मतलब है कि ग्रामर सही होने से आपका स्कोर 7, 8, 6.5 यहां तक आ जाएगा। इसका मतलब है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। अब मैं आपको बताती हूं कि ग्रामेटिकल रेंज क्या होती है। ग्रामेटिकल रेंज का मतलब है सिंपल रेंज से कॉम्प्लेक्स रेंज। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स ये तो आपने सुना होगा, लेकिन जो ऐसे में ग्रामर के सेंटेंस स्ट्रक्चर में सिंपल रेंज होती है वो ऐसे 5.5 लेवल तक रह जाते हैं। तो सिंपल रेंज से कॉम्प्लेक्स रेंज कैसी होती है, तो इसके मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाऊंगी, और जब मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखाऊंगी तो आपको लगेगा अरे ये तो बहुत आसान है, हमने इसे ट्राई क्यों नहीं किया। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो लिए गए हैं ओपिनियन एसे से, डिस्कशन एसे से और प्रॉब्लम सॉल्यूशन एसे से। तो आपको एक मिक्स रेंज ऑफ एग्जाम्पल्स मैं देने वाली हूँ। लेट्स लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल, लर्निंग कंप्यूटर्स इन एन अर्ली एज is an initiative, so it's good to use computers, but its time should not proceed so long. अब ध्यान से देखिए इस example को जो 8 band sample से है, यानी कि इस तरह की grammatical range को 8 bands मिल सकते हैं और मिले हैं। इसमें आप गौर करें कि किस तरह का grammatical range और accuracy दी गई है। Sentence start हुआ है learning से, लर्निंग, लर्न एक वर्ब होता है, वर्ब के साथ लगाई गई है आईएनजी। मैंने अपने कुछ पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि जेरंड्स जो हैं वो बहुत यूजफुल होते हैं आपके सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। तो इस एग्जांपल में सबसे पहला हाईलाइटेड आपके लिए पॉइंट ये है कि सेंटेंस में जेरंड यूज हुआ है। लर्निंग कंप्यूटर्स फ्रॉम एन अर्ली एज इज एन इनिशिएटिव, सो
अब यहां पर सेंटेंस को फुल स्टॉप से तोड़ा नहीं गया है, सो से कनेक्ट किया गया है। सो इट्स अ गुड स्टेप टू यूज कंप्यूटर्स। उसके बाद बट लगा है जो कि एक और कनेक्टर है। सो बट से सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। बट इट्स टाइम शुड नॉट प्रोसीड सो लॉन्ग। तो आप देखिए कि तीन सेंटेंस यहां पर आपस में जुड़े हैं किस तरह से। स्टार्ट हुआ जैरंड से, फिर लगाया सो, देन लगाया बट। और अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपको नहीं पता सो का यूज और बट का यूज, लेकिन हम राइटिंग्स में यूज बहुत कम करते हैं। और इतने सिंपल कनेक्टर्स हैं, लेकिन इन्हीं सिंपल कनेक्टर से हमारा सेंटेंस रेंज, हमारी ग्रामेटिकल रेंज कितनी खूबसूरत हो सकती है, आई मीन कितनी स्कोरिंग हो सकती है। तो आप इस एग्जाम्पल को गौर करके अपनी राइटिंग्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। बढ़ती हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये रही हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल ली गई है एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन एसे से, जिसमें 8 स्कोर्स जो हैं इस एसे को दिए गए हैं, जिसका मतलब है कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल रेंज वो 8 बैंड के लेवल की है। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से है, गैस एमिशंस फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड एग्जॉस्ट फ्यूम फ्रॉम व्हीकल्स लीड टू ग्लोबल वार्मिंग विच मे हैव अ डेवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन द प्लैनेट इन द फ्यूचर। अब गौर से इस एग्जाम्पल को देखिए, गैस एमिशंस फ्रॉम फैक्ट्री एंड बहुत सिंपल कनेक्टर लगाया है यहां पर, एंड एग्जॉस्ट फ्यूम फ्रॉम व्हीकल्स लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट देखिए लगाया है विच, पहले एंड लगाया है फिर विच लगाया है, जो कि बहुत ज्यादा आसान है यूज करने में। विच मे हैव अ डेवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन द प्लैनेट इन द फ्यूचर। तो इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो बहुत ही सिंपल तरीके से एंड और विच का यूज करके दो तीन सेंटेंसेस को कंबाइन करके ग्रामेटिकल रेंज जो है वो दी गई है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई गई है। तो आप भी इसे यूज कर सकते हैं। हमारी थर्ड एग्जाम्पल भी ली गई है 8 बैंड सैंपल ऐसे से, यानी कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी, ग्रामेटिकल रेंज भी 8 बैंड लेवल की है। अब सेंटेंस देखिए, मीट ईटर्स हैव अ हाई फिजिकल रेजिलियंस टू सस्टेन देमसेल्व्स इन एन एक्सट्रीमली कोल्ड और हॉट वेदर। एज अ रिजल्ट दे कुड नॉट कैच इजिली कॉमन सिकनेस सच एज हाई फीवर और कोल्ड। अब इस एग्जाम्पल पर गौर करिए, मीट ईटर्स हैव अ हाई फिजिकल रेजिलियंस टू सस्टेन देमसेल्व्स। टू का इस्तेमाल भी बहुत खूबसूरती से इस सेंटेंस में किया गया है। मीट ईटर्स हैव अ हाई फिजिकल रेजिलियंस, जनरली आप ये भी बना सकते थे एंड दे सस्टेन देमसेल्व्स, लेकिन यहां पर टू लगाकर इस वर्ब को जोड़ा गया है, टू सस्टेन देमसेल्व्स इन एक्सट्रीमली कोल्ड और हॉट वेदर। एज अ रिजल्ट से अब सेंटेंस को जोड़ा गया है। पहले टू के साथ एक वर्ब जोड़ के सेंटेंस बनाया गया, अब एज अ रिजल्ट के साथ सेंटेंस जोड़ा गया है। एज अ रिजल्ट दे कुड नॉट कैच इजिली कॉमन सिकनेस सच एज हाई फीवर और कोल्ड। तो इस सेंटेंस में आपने देखा टू, एज अ रिजल्ट और सच एज, तीन चीजें लगाकर एक सेंटेंस की ग्रामेटिकल रेंज जो है वो बढ़ाई गई है। अगर आप इन टोटल तीन एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखें तो कुछ गिने चुने वर्ड्स आपके सामने जो है वो आए होंगे, जैसे टू, सच एज अ रिजल्ट, विच, सो, बट और एक इंपॉर्टेंट यूज जैरंड। तो अगर आप जैरंड से लेकर या ये कुछ वर्ड्स जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं इनका इस्तेमाल करें अपनी राइटिंग में, तो आप बहुत ही आसानी से, पहले तो ये वर्ड्स बहुत आसान हैं, इन पे सेंटेंसेस बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, और इन्हीं वर्ड्स के साथ आप अपने ग्रामेटिकल रेंज को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर आप ये क्वेश्चन लेके अपने मैम के पास नहीं जाएंगे कि मैम ग्रामर ठीक है लेकिन मेरी स्कोर 8 बैंड, 7 बैंड या 6.5 क्यों नहीं है, क्यों मैं 5.5 पे रुक जाता हूँ। तो ये वर्ड्स आपको हेल्प करेंगे ग्रामेटिकल रेंज को इम्प्रूव करने के लिए। और मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आपने अपनी राइटिंग्स में इस तरह से वर्ड्स के साथ सेंटेंस बनाए तो हर एक टीचर आपको या कोई भी टीचर आपको 7 बैंड देने से नहीं रोक सकता। नाउ टाइम फॉर द असाइनमेंट। मेरी कोई भी वीडियो और असाइनमेंट ना हो
हो नहीं सकता, बिकॉज आई रियली बिलीव कि जो भी आप मेरी वीडियोस में देखें आप उसका एक्चुअल में सही में इम्प्लीमेंट करें, सिर्फ वीडियो देखने तक लिमिटेड ना रह जाएं। असाइनमेंट ये है कि जो वर्ड्स आपको स्क्रीन पे आज दिखाए गए हैं तो मैं उनको दोबारा दिखाती हूँ। ये है कुछ वर्ड्स जिनसे आज आपने देखा कि ग्रामेटिकल रेंज इम्प्रूव हो सकती है, तो इन्हीं वर्ड्स को लेकर, इसमें से कुछ वर्ड्स को लेकर आपको एक पैराग्राफ जो है कॉमेंट बॉक्स में टाइप करना है। एंड आई मीन इट कि ये जो आप टाइप करके कॉमेंट बॉक्स में भेजेंगे इसको मैं इवैल्यूएट करूंगी और आपको दूंगी स्कोर आपकी ग्रामेटिकल रेंज पे। तो आशा करती हूँ ये वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो आईएल्स, टॉफल, पीटी या राइटिंग की तैयारी कर रहे हैं या राइटिंग में स्टक हैं और अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत 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 हेल्पफुल होगी। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।